आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं इससे बेहतर और सभ्य जिंदगी तो हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग जिया करते थे, जो आज से लगभग 4,600 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके हैं। आज मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा। हाय दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टीरियस हिंदी में। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध में लगभग 4,600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारियां, मिट्टी व धातु के बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं वैसे ही वे लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं और इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू भी हुआ और बंद भी हुआ है। कहा जाए तो अभी तक सिर्फ एक तिहाई भाग की ही खुदाई हो पाई है। ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकन माना जाता है। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था, जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुराने ईंट मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं, जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था। सिंधु नदी के पास होने के कारण इस स्थान को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता भी थी, जो इजिप्ट ग्रीस में थी। ये बात पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा कही गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रही थी। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, रखीगार्थी। मोहनजोदड़ो इन सब में सबसे अग्रिम शहर था। उस समय यह सबसे बड़ा व व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसलिए पुरातात्विक ने इसकी सबसे पहले खोज शुरू की व इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था व जिसको अग्रिम ढंग से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो को देख ऐसा लगता है कि यह शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था। 1900 ईसा पूर्व में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तभी मोहनजोदड़ो भी मिट गया। इन शहरों में रहने वालों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हें देख ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके इनका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी दीवार थी, जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही पता लगाया गया कि कुछ लोग ईंट के घरों में रहते थे, जो तीन तीन मंजिल के बने हुए थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे, जिसमें पानी निकास के लिए नालियां भी थी। दुनिया में पहली नाली का निर्माण यहीं से हुआ। पुरातत्व के अनुसार लोग खेती भी किया करते थे। उन्हें गेहूं चावल उगाना आता था। वे लोग जानवर भी पाला करते थे। भारतीयों द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज। सन 1922 में राखलदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे,
पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया था। उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यहाँ नीचे कुछ इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए सन 1924 में काशीनाथ नारायण व सन 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। सन 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में करवाया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। खोज के दौरान पता चला था कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़, घटाना, मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वे सब एक ही वजन व साइज की थी, जैसे मानो इसे एक ही सरकार के द्वारा बनवाया गया था। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेलने कूदने के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे। पुरातत्ववेत्ताओं को कंघी, साबुन व दवाइयां भी मिली हैं। उन्होंने कंकालों के दांत का निरीक्षण भी किया था, जिससे यह पता चला था कि उनके नकली दांत भी लगे हुए थे। मतलब प्राचीन सभ्यता में डॉक्टर भी हुआ करते थे। खोजकर्ताओं ने बहुत से धातु के गहने व कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी, मूर्तियां, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले थे, जिन्हें देश विदेश के संग्रहालयों में रखा गया है। खोज में पता चला था कि ये लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ गए गेहूं के दाने आज भी संभाल कर रखे गए हैं। कुछ लिपिक भी मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। यहाँ के लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते थे। कहते हैं प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस कर दिया। कहते हैं इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ खोज से पता चलता है कि उस समय वहां रहने वालों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। अभी पुरातत्व वाले और खोज में लगे हुए हैं। वे पता कर रहे हैं कि कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहां रहने वालों ने कैसे इतने अग्रिम सभ्यता का निर्माण किया और कैसे इनका अंत हुआ। इन सब सवालों के जवाब के लिए पुरातत्व वेत्ताओं की खोज जारी है। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।